हेलो फ्रेंड्स, छत्रपति शिवाजी आईटी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं कड़वे सर फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए इंजीनियरिंग प्रॉब्लम के अंतर्गत मतलब एलिप्स को किस प्रकार से बनाना है, सर्कल को किस प्रकार से बनाना है, वो जो मेथड है मेथड मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एलिप्स से संबंधित है, सर्कल से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन रहेगा आपका, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक सर्कल। आइसोमेट्रिक मतलब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अपने को एक सर्कल बनाना है, एलिप्स बनाना है। तो उसको जो बनाने का जो तरीका है, इसके पहले जो अपनी क्लास लगी थी उस क्लास में मैंने बताया, हो सकता है अभी आप उस मेथड को भूल चुके होंगे। तो फिर से एक बार आपके लिए एलिप्स से संबंधित टॉपिक, और ये टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है और आपको ये बनाना आना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंतर्गत क्या करना है, सबसे पहले सेट स्क्वायर का या रोलर स्केल का या जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हुए सबसे पहले आधार लाइन बेसिक लाइन बना लेंगे इस प्रकार से, और इस बेसिक लाइन को स्पर्श करती हुई ज्वाइन करती हुई एक वर्टिकल लाइन, स्ट्रेट लाइन सीधी। फिर उसके बाद 30 डिग्री के एंगल पे एक लाइन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और दूसरी लाइन राइट हैंड साइड की तरफ इस प्रकार से, ये राइट हैंड साइड की तरफ एक लाइन, और सेट स्क्वायर को फिर से 30 डिग्री के एंगल पर सेट करते हुए एक दूसरी लाइन इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, इस लाइन का जो माप है, जो डायमेंशन है वो हमें सेट करना है, और वो डायमेंशन रहेगा इस लाइन की लंबाई को 50 एमएम का सेट करते हैं, इस लाइन की लंबाई को भी 50 एमएम में रखते हैं, और स्ट्रेट लाइन जो है उसकी लंबाई को भी 50 एमएम का ही रखते हैं। ठीक, अब डायमेंशन सेट कर लेंगे 50-50 एमएम के पॉइंट से। ये 50 का पॉइंट, ये 50 का पॉइंट, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी 50 एमएम का पॉइंट है ना। माप आपका कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए सर्कल बनाने के लिए, एलिप्स बनाने के लिए आधे एमएम का भी डिस्टेंस कम या अधिक नहीं होना चाहिए, जितना फिक्स मेजरमेंट है उतना ही फिक्स मेजरमेंट अपने को लेना है। सेकंड स्टेप होगी। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, फिर से जहाँ जहाँ अपने डायमेंशन लिए है उस बिंदु के ऊपर सेकंड स्क्वायर को वर्टिकल पोजिशन में, खड़े पोजिशन में, स्ट्रेट लाइन के पोजिशन में सेट करते हुए फिर से इस प्रकार से एक लाइन बनाएंगे, इस बिंदु से भी इस प्रकार से एक वर्टिकल लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक, जितना माप बीच की लाइन का रखा हुआ है, खड़ी लाइन का जितना माप रखा है 50 एमएम, तो इस लाइन का भी 50 एमएम रखेंगे, इस लाइन का भी 50 एमएम रखेंगे, डायमेंशन सेट कर लेते हैं 50-50 एमएम के। इस पॉइंट को और इस पॉइंट से फिर इस पॉइंट को आपस में मिला लेंगे इस प्रकार से, यस। इस प्रकार इसको मिला लेंगे। अब मिलाने के बाद फोर्थ नंबर स्टेप, फिर से इस कॉर्नर के ऊपर सेट स्क्वायर को सेट कर दिया है इस एंगल में, 30 डिग्री एंगल में, और एक लाइन इस कॉर्नर से जिसकी लंबाई 50 एमएम, और इस लाइन की लंबाई भी 50 एमएम सेट करेंगे। ये 50 का पॉइंट, इसका डायमेंशन 50 एमएम, ये पॉइंट को इस पॉइंट के साथ इस प्रकार से मिला लेंगे, यस। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा की जो लाइन है उनकी फिनिशिंग करनी है, सफाई करनी है सभी लाइनों पर। एक एग्जांपल यहाँ बता देता हूँ मैं आपको, इस कॉर्नर में इस बॉक्स के अंदर एक बॉक्स बन गया, अपना क्यूब बन गया है। अब इस एरिया में जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस एरिया में क्या करेंगे, सर्कल को बनाएंगे, वो भी एलिप्स आकार में। किस प्रकार से बनेगा, दीर्घवृत्त भी बोलते हैं जिसको हिंदी में, उसको बनाना है किस प्रकार से बनेगा। अब देखिए, इस लाइन की लंबाई 50 की है, इस लाइन की लंबाई भी 50 की है, इस लाइन की लंबाई 50 एमएम की, और इस लाइन की लंबाई भी 50 एमएम की है। तो शुरू करते हैं, 50 की लाइन है, इसका सेंटर निकालना है, सेंटर 25 एमएम के ऊपर, ये सेंटर पॉइंट है, देखिए इसका एक सेंटर यहाँ, इस लाइन के ऊपर फिर से एक सेंटर पॉइंट, ताकि आपकी जो सेंटर लाइन है वो बिल्कुल एक्यूरेट बने, सही बने। इस लाइन के ऊपर भी 25 एमएम के सेंटर लेंगे, 25 एमएम का पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है 25-25 एमएम के। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट के रूप में सेट स्क्वायर को इस प्रकार सेट करते हुए एक सेंटर लाइन बनाएंगे, एक 5 एमएम की लंबाई की लाइन, और उसके बाद एक पॉइंट्स, फिर एक 5 एमएम लंबाई की लाइन, उसके बाद एक पॉइंट्स, इस प्रकार से एक सेंटर लाइन बना लेंगे इस बिंदु से इस बिंदु की तरफ इस प्रकार से। अगली स्टेप में क्या करेंगे, इस कॉर्नर को ध्यान में रखना है, सेंटर पॉइंट, सेंटर लाइन का जो ऊपरी सिरा है इसको
और इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है, सेंटर लाइन के पॉइंट को ध्यान में रखना है। अब ये वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर से चलो इसके बाद सेंटर लाइन बना दीजिए। सेंटर लाइन बनाने के बाद अब ये सेंटर लाइन का पॉइंट, और ये नीचे वाले सेंटर लाइन का पॉइंट और इस लाइन का भी, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बनाना है। अब क्या करेंगे, ये जो कॉर्नर है ये वाला, इस कॉर्नर से ये सेंटर लाइन के सिरे को इस एंगल में पकड़ेंगे, देखिए इस एंगल में पकड़ेंगे और यहाँ से एक लाइन बनाएंगे ऐसे, ठीक है, यहाँ से मार्क किया वहाँ से, और सेंटर लाइन का जो निचला सिरा है इस सिरे के साथ इस एंगल में सेंटर को लगाएंगे इस कॉर्नर के साथ और एक लाइन इस प्रकार का बनाएंगे। फिर उसके बाद ये सेंटर लाइन का पॉइंट ये वाला और ये कॉर्नर, इसको आपस में इस प्रकार से पकड़ेंगे इस एंगल में और एक लाइन बना देंगे। चलो आपको नहीं समझ में आ रहा लास्ट से लाइन खींच देता हूँ, इस प्रकार से लाइन बना देंगे और ये लाइन इस प्रकार से पकड़ेंगे, ठीक। अब वैसे सिस्टम यहाँ पे करेंगे, वैसे ये कॉर्नर और ये सेंटर लाइन जहाँ से मैंने एरो बनाया हूँ इस एंगल में इन दोनों भागों को आपस में पकड़ते हुए ये लाइन बनेगी, ठीक। अब ये पॉइंट सेंटर लाइन का और ये कॉर्नर ये वाला, इनको आपस में पकड़ना है इस एंगल में और यहाँ से ये एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये लाइन और ये लाइन यहाँ क्रॉस बिंदु, यहाँ क्रॉस पॉइंट यहाँ मिला है और एक क्रॉस पॉइंट यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। ये जो पूरी प्रोसेस जो हमने की वो सिर्फ क्रॉस पॉइंट को निकालने की कोशिश की है। अब उसके बाद ये निशानों को मिला देता हूँ साफ करने के, इसको क्रॉस पॉइंट ये है, ये वाला क्रॉस पॉइंट, ये क्रॉस पॉइंट। अब इस इसके बाद इस स्टेप के बाद अगले स्टेप में क्या करना है कि जो कंपास है उस कंपास में पेंसिल को अच्छी तरह सेट करते हुए कंपास का जो वर्किंग पॉइंट होता है उस वर्किंग पॉइंट को इस क्रॉस पॉइंट के ऊपर सेट करना है इस प्रकार से, और उसके अंदर इतना मेजरमेंट लेना है, देखिए यहाँ तक का इस कॉर्नर तक का, और मेजरमेंट लेने के बाद फिर यहाँ से ये इस प्रकार से अर्धवृत्त बनाना है, अर्धचाप खींचना खींचना है, ठीक। वही वही प्रोसेस, वही माप, सेम टू सेम डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस फिर से कंपास में, और यहाँ से ये इस प्रकार से एक सर्कल बना लेंगे, ठीक, यस है ना। अब इस कॉर्नर के ऊपर, इस ओ कॉर्नर के ऊपर सेटर अपने कंपास को रखेंगे और इस लाइन का मेजरमेंट लेंगे, जो लाइन दिख रही है इस लाइन का मेजरमेंट कंपास के अंदर सेट करेंगे और फिर से एक चाप यहाँ पर बनाएंगे, यस। उसके बाद इस कॉर्नर के ऊपर फिर से कंपास का पॉइंट और ये जो लाइन बनी हुई है ये आड़ी लाइन, इस आड़ी लाइन का मेजरमेंट कंपास के अंदर सेट करना है और यहाँ से ये ऐसा एक शेप बनाना है। तो ये यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, कंप्लीटली दीर्घ वृत्त तैयार हो रहा है, एक सर्कल तैयार हो रहा है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक मेथड के अंतर्गत इस प्रकार से, है ना। ये हो गया अपना एलिप्स सर्कल, इसको एलिप्स भी कहते हैं, यहाँ एक एलिप्स तैयार हो गया है। अब इसी मेथड से इसी सिस्टम से ये जो दो ब्लॉक बचे हुए हैं इन दो ब्लॉक में बनाएंगे, है ना। क्या करेंगे, फिर से सेंटर निकाल लेंगे, इस लाइन का सेंटर निकाल लिए, सेंटर निकाल लेंगे, करो पॉज, ठीक है। अब जिस मेथड से अपन ने ये सर्कल बनाए थे अब उसी मेथड से ये सर्कल भी बनाएंगे, तो सिस्टम वही है, सेंटर लाइन को डिवाइडेशन किया अपन ने इसे लाइनों के रूप में बताया यहाँ पे, और क्या करेंगे, कंपास की जरूरत पड़ती है आपको, कंपास में पेंसिल को सेट करना है, यहाँ ये वर्किंग पॉइंट है, ये एक वर्किंग पॉइंट है और ये एक वर्किंग पॉइंट है, ये पूरे प्रोसेस इस वर्किंग पॉइंट को निकालने के लिए की है। अब उसके बाद जो कंपास है उसमें आपको वर्किंग पॉइंट को क्रॉस पॉइंट के ऊपर सेट करना है ऐसे, और यहाँ से इतना माप, मतलब इस लाइन का माप लेना है और एक अर्ध सर्कल यहाँ तक बनाना है, फिर उसके बाद वही मेजरमेंट सेट रहेगा और कंपास का वर्किंग पॉइंट क्रॉस पॉइंट के ऊपर इस लाइन तक का मेजरमेंट और यहाँ से भी एक
हाफ सर्कल बनाएंगे ऐसे। फिर ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर के ऊपर कंपास के वर्किंग पॉइंट को रखेंगे और इस लाइन की लंबाई का माप उसमें सेट करेंगे, ये देखिए इस प्रकार से। और सेट करने के बाद ये इस प्रकार का चार्ट रहेगा। फिर ये वाला क्रॉस पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये कॉर्नर, इस कॉर्नर के ऊपर फिर से कंपास का वर्किंग पॉइंट यहाँ सेट करेंगे कॉर्नर पर, और इस लाइन की लंबाई, मतलब जो लाइन है, इस लाइन की लंबाई का माप कंपास के अंदर सेट करेंगे और यहाँ से फिर एक सर्कल बनाएंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना कंप्लीटली एक आइसोमेट्रिक सर्कल तैयार हो रहा है, ठीक। उसके बाद अब ये वाला एरिया बचा हुआ है, जिस मेथड से अपन ने दो सर्कल बनाए हैं उसी मेथड से एक सर्कल इसमें भी बनाना है। अगली स्टेप ये वाला पॉइंट, मतलब यहाँ का जो सर्कल और यहाँ का सर्कल जिस मेथड से बनाया उसी मेथड से एक सर्कल यहाँ पर भी बनाना है, इस बॉक्स के अंदर एक सर्कल वैसे ही बनाएंगे। क्या करेंगे, इस कॉर्नर के ऊपर आपको ध्यान रखना है, यहाँ के इस कॉर्नर को पकड़ते हुए ये सेंटर लाइन का पॉइंट इस प्रकार से, ये देखिए इस एंगल में लेंगे इसको, फिर ये लाइन लेंगे, उसके बाद ये कॉर्नर यहाँ का और ये सेंटर लाइन का पॉइंट, सॉरी इसको छोड़ देंगे अभी, ये वाले कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर पकड़ेंगे इस प्रकार से यहाँ मिला देंगे, ठीक। ये यहाँ पे क्रॉस पॉइंट यहाँ मिला है, फिर ये किनारा सेंटर लाइन का और ये ही कॉर्नर इस एंगल में, यस ठीक। फिर ये ऊपर वाला ये कॉर्नर और ये सेंटर लाइन का पॉइंट ये इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे वर्किंग पॉइंट मिला था वैसा ही वर्किंग पॉइंट यहाँ पे मिला हुआ है। अब इसमें फिर से हमें कंपास की आवश्यकता है सर्कल खींचने के लिए, वही सिस्टम वर्किंग पॉइंट के ऊपर कंपास का, क्रॉस पॉइंट के ऊपर कंपास का वर्किंग पॉइंट रखते हुए एक सर्कल बनाएंगे इस प्रकार से, वही मेजरमेंट दूसरे क्रॉस पॉइंट के ऊपर इस प्रकार से, फिर यहाँ का ये पॉइंट पकड़ते हुए इस लाइन की लंबाई का माप सेट करेंगे और ये ऊपर वाला सर्कल, ऊपर वाला सर्कल हो जाएगा। फिर इस कॉर्नर के ऊपर इतनी लंबाई, इतना मेजरमेंट सेट करते हुए ये सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट अभी अपना आइसोमेट्रिक जो सर्कल बनाना था वो तैयार हो गया है, और उसकी जो टेक्निक थी, उसकी जो मेथड थी, वो मैंने आपको बता दिया। अभी हमें किसी भी साइज का आइसोमेट्रिक सर्कल बनाना हो, किसी भी साइज का, जैसे अभी इसका अपन 50 mm का माप लिया, इसका जो डाया था वो 50 mm का था, तो 50 mm का डाया बनाने के लिए क्या चाहिए अपन ने, इस लाइन की लंबाई को 50 में रखें, इस लाइन की लंबाई को 50 में रखें। यदि हमें 60 mm के आस पास सर्कल बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस लाइन की लंबाई को हमें 60 mm रखना पड़ेगा, मतलब जितना भी बॉक्स बनेगा वो 60x60 का रखना पड़ेगा। तो ये था आज का हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित आइसोमेट्रिक सर्कल को किस प्रकार से बनाना टॉपिक। इसके बाद फिर से एक नए विषय के साथ अगले अगले क्लास में मैं आपके लिए फिर से एक नया विषय लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।